प्रेगनेंसी में खुजलियां होना, ये किन किन अंगों में खुजलियां होती हैं और किन वजहों से होती है, चलिए इस वीडियो में जानेंगे। सिर्फ और सिर्फ प्रेगनेंसी के सिम्टम्स के तौर पे मैं आज ये लक्षण आप लोगों को बताने जा रही हूँ। वैसे अगर आपको पहले से हिस्ट्री में खुजली की कोई प्रॉब्लम है तो फिर आपका प्रेगनेंसी से कोई लेना देना नहीं हो सकता है, लेकिन अगर अचानक से ये दिख रहा है इस मंथ या फिर आपको कई दिनों से कई हफ्तों से ये खुजली हो रही है तो हो सकता है कि ये प्रेगनेंसी के कारण हो रही है, क्योंकि प्रेगनेंसी में महिलाओं को खुजलियाँ होना एक बहुत बड़ा सिम्टम्स माना जाता है। चलिए इस वीडियो में जानेंगे ये होता क्यों है। तो सबसे बड़ी बात ये है कि जब आप प्रेग्नेंट होते हो तो आपके शरीर के अंगों में खिंचाव शुरू हो जाता है, और किन किन अंगों में खिंचाव शुरू होता है तो ये स्किन में ऊपरी जो स्किन होता है, चमड़ी होती है, उसमें खिंचाव होनी शुरू हो जाती है, जैसे कि पेट में, स्तनों में, इन सब जगहों पर आपको ज़्यादा खिंचाव शुरू होगा, क्योंकि यहाँ के जो स्किन है वो ऊपर की ओर बढ़ने लगती है, इसलिए मांसपेशियों में जो है खिंचाव शुरू हो जाती है। अब इस स्ट्रेचिंग के कारण, चूँकि पहले जो था वो काफ़ी कम जगह था, अब स्किन अपने आप में खिंच रही है तो स्किन ड्राई पड़ने शुरू हो जाएगी, और इस खिंचाव के कारण आपको जितनी ज़्यादा वृद्धि होगी उतना ज़्यादा खुजली हो सकता है। तो जैसे जैसे स्तनों का आकार बढ़ेगा, जैसे जैसे पेट का आकार बढ़ना शुरू होगा, वैसे वैसे हो सकता है कि उन जगहों पे ड्राइनेस के कारण, आपको खिंचाव के कारण खुजली महसूस हो। शुरुआती दिनों में महिलाओं के हाथ, पैर, पेट, स्तनों में काफ़ी ज़्यादा सूखापन महसूस होने लगता है, ड्राइनेस का सिम्टम्स दिखने लगता है, तो इस ड्राइनेस के कारण भी महिलाओं में खुजलियां होने लगती है। इसके लिए आपको क्या करना है, तो उसको हाइड्रेटेड रखना है। इसका मतलब ये नहीं कि पानी से जाके बार बार भिंगोना है, नहीं, आपको नारियल के तेल का इस्तेमाल करना है, या फिर घर में अगर एलोवेरा जेल है तो वहाँ पर आप अप्लाई कर दे, खुजलियाँ कम होंगी। तो ये खुजली का जो सिम्टम्स है महिलाओं को शुरुआती दिनों से ही देखा जाता है। अब ये खुजली आपको कैसे, जैसे कि नाभि में खुजली होना, कई महिलाओं को नाभि में भी खुजली शुरू हो जाती है, वहीं कई महिलाओं को नाभि के नीचे, प्राइवेट एरिया के हल्का सा ऊपर खुजलियां शुरू हो जाएंगी, तो ये कई महिलाओं में अलग अलग अंगों में ज़्यादा खुजली होती है, ज़्यादा ड्राइनेस होने लगती है, सूखापन होने लगता है, फेस पे भी खुजली होने लगी है, क्योंकि फेस पे भी ड्राइनेस होने शुरू हो जाती है। तो ज़्यादातर जो शुरुआती दिनों में खुजली होती है ये ड्राइनेस के कारण होती है, सूखापन के कारण होती है। तो इस ड्राइनेस को ख़त्म कीजिए, बार बार आप क्रीम अप्लाई कीजिए, शुरुआती दिन में स्ट्रेच मार्क क्रीम की कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन घर में अगर तेल, नारियल का तेल है या एलोवेरा जेल है, वही आपके लिए कारगर साबित हो जाएगा। तो जहाँ भी खुजली महसूस होती है तो आपको तुरंत वहाँ पे तेल या एलोवेरा जेल का अप्लाई करना है। जाते जाते इस वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और कॉमेंट करते जाएँ। धन्यवाद।